हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुलियानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। ना केवल आपको केवल लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, बल्कि टाइम टू टाइम आपकी जो प्रोग्रेस है उसको असेस किया जाएगा। इसके लिए आपके लिए क्विजेज ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को असेस कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी हमारे लेक्चर से मिस आउट ना हो, आपको हर एक लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप क्या है? देखिए, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, The partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. क्या कहती है डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की? पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है। रिलेशन जस्ट लाइक हमने देखा है ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो ये रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस क्रिएट होते हैं ब्लड्स, क्योंकि हमने उस फैमिली में बर्थ किया है, वहां पर जन्म हुआ है हमारा, इसलिए वो रिलेशन क्रिएट हुआ। जहां तक सवाल है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो क्रिएट होता है एग्रीमेंट से, इसलिए जो पार्टनरशिप की मेन बुनियाद है वो एग्रीमेंट है। दैट इज व्हाई पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड। अब ये एग्रीमेंट किस चीज पर है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो स्टार्ट किया है उन्होंने, पार्टनरशिप बनाई है, जो एग्रीमेंट किया है वो एक बिजनेस के लिए है, और उस बिजनेस से अन प्रॉफिट को बांटने के लिए है। यानी कि बिजनेस वहां होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। अगर कुछ लोग मिलकर सिर्फ किसी चैरिटेबल वर्क के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो इसलिए बिजनेस का भी होना जरूरी है, और उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए जिसे वो शेयर करे। एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स चला सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स जो है बाकी सबके बिहाफ पर भी बिजनेस को चला सकते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो तीनों पार्टनर ए बी सी भी उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को चला सकते हैं, या उनमें से कुछ पार्टनर जो है वो सबके बिहाफ पर भी बिजनेस को चला सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नेक्स्ट टॉपिक हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे। यहां डिस्कस करते हैं फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर वन, टू और मोर पर्सन्स। देखिए, पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो आदमियों को होना जरूरी। एक अकेला सिंगल पर्सन जो है वो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम दो पर्सन का होना चाहिए एज पर 1932 एक्ट। जहां तक सवाल है मैक्सिमम मेंबर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम मेंबर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 इसके बारे में क्लैरिटी देता है, जहां पर लिखा है कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेकेंड, एग्रीमेंट। जैसा पहले ही डिस्कस किया गया मीनिंग में कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप का जो जन्म है वो होता ही एग्रीमेंट से है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जहां तक हो सके एग्रीमेंट रिटर्न हो तो बेटर रहता है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट या क्वेरल हो तो उसका आसानी से निपटारा किया जा सके। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। पार्टनर्स के जो भी राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो इसी एग्रीमेंट से ही गवर्न की जाएंगी, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग ही उनके राइट्स ड्यूटी तय की जाएगी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए, पार्टनरशिप के लिए जो है बिजनेस का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कुछ लोग आपस में मिलकर किसी काम के लिए कहते हैं, आपने कई बार देखा होगा किसी गली मोहल्ले में या गांव के चौपाल पर कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, तो वही लोग आपस में डेली ताश खेलते हैं, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि दे डोंट आर डूइंग एनी बिजनेस, क्योंकि वहां बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, और जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग आपस में मिलकर किडनैपिंग का काम करने की सोचते हैं या स्मगलिंग का काम करने की सोचते हैं, तो इसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस तो है लेकिन बिजनेस जो है वो लीगल नहीं है। तो बिजनेस का लीगल होना भी जरूरी है। एंड प्रॉफिट मोटिव, वो जो बिजनेस किया जा रहा है वो बिजनेस सिर्फ नॉर्मल वैसे ही टाइम पास के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उसका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए।
मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई चैरिटेबल वर्क किया जा रहा है, मान लीजिए कहीं जागरण ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या कोई और धर्मार्थ कार्य किया जा रहा है जिसके लिए कुछ लोग मिलकर घर घर से पैसा इकट्ठा करते हैं, पर्ची काटते हैं, तो क्योंकि इसका मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इसलिए इसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है एक बिजनेस का होना, लाभफुल बिजनेस का होना, और उस बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। नंबर फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जहां तक हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि प्रॉफिट अर्न करना इनकी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कहती है खाली प्रॉफिट अर्न नहीं करना, खाली प्रॉफिट कमाना नहीं है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये भी एक बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की। नंबर फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे दो नंबर का अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। प्रिंसिपल और एजेंट क्या है, पहले इसको मीनिंग को हम क्लैरिटी कर दें। प्रिंसिपल होता है ओनर और एजेंट होता है द पर्सन हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर, यानी कि जो अपने अपने ओनर के बिहाफ पर वर्क करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह क्लैरिटी समझ में आएगी। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्टर है, एट प्रेजेंट जो फेमस एक्टर चल रहे हैं उसमें से किसी भी एक का नाम ले सकते हैं, जस्ट लाइक वरुण धवन का नाम ले लेते हैं। और वरुण धवन का जो एजेंट है, मान लीजिए वो एजेंट जो है वो वरुण धवन के लिए फिल्म साइन करके लाता है, उसके लिए स्क्रिप्ट सुनता है। तो मान लीजिए वरुण धवन का एजेंट किसी फिल्म को साइन करके आ जाता है और वो आके बताता है वरुण धवन को कि मैंने आपके लिए ये आपके लिए ये फिल्म मैंने एक प्रोड्यूसर की साइन कर दी है और आपको इस फिल्म में काम करना है और इतने रुपए मिलेंगे। हो सकता है वरुण धवन को वो प्रोजेक्ट जो है पसंद ना आए और वरुण धवन कहे नहीं ये तो गलत हो गया, मैं तो इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एजेंट ने कोई काम कर दिया तो उसके लिए जो उसका मालिक है, जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका ओनर है, वो बाउंड हो जाता है, उसको उस एग्रीमेंट से फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन अ सिमिलर केस, क्योंकि वो अब इनकार नहीं कर सकता प्रोड्यूसर को कि ये मूवी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है या ये जो मनी है वो सफिशियंट नहीं है, मैं इस मूवी को नहीं करूंगा। सिमिलर केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं एज वेल एज एजेंट भी होते हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ए जो है बी और सी के बिहाफ पर या पूरे फर्म के बिहाफ पर कोई एग्रीमेंट या कोई काम करके आता है या एग्रीमेंट साइन करके आता है। जब ए एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है तो ए उस वक्त क्या है, एजेंट है, जबकि बी और सी क्या है, ओनर है, यानी कि प्रिंसिपल। सिमिलर टाइप में कुछ टाइम बाद बी किसी काम से बाहर जाता है और फर्म के लिए कोई एग्रीमेंट करके आता है। इस केस में अब ए और सी तो प्रिंसिपल यानी कि ओनर हुए और जो बी हुआ वो एजेंट हुआ। तो देखिए पहले केस में ए जो था वो एजेंट था, दूसरे केस में ए जो है वो ओनर या प्रिंसिपल है। तो ए की पर्सन एक टाइम में एजेंट और प्रिंसिपल हो सकता है अलग अलग टाइम पे, तो यानी कि पार्टनर प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। नंबर सिक्स, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर होम। जो बिजनेस जो है वो सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा या कुछ के द्वारा सबकी तरफ से चलाया जा सकता है। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनमें से ए और बी तो शॉप पर बैठते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, जबकि सी जो है वो जॉब करता है। अब सी क्योंकि जॉब करता है उसके पास टाइम नहीं होता बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, हालांकि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इसलिए वो पार्टनर तो कहलाएगा, लेकिन जो बिजनेस है वो कौन चला रहा है, ए और बी चला रहे हैं। और मान लीजिए थोड़े टाइम बाद बी की भी जॉब लग जाती है, अब कौन बचा, खाली ए बचा। अब उस बिजनेस को कौन चला रहा है, खाली ए चला रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे ये तो पार्टनरशिप रही नहीं, ये तो सोल प्रोप्राइटर हो गया क्योंकि इसे एक पर्सन चला रहा है। नहीं, माना कि पर्सन वो एक चला रहा है ए, लेकिन वो चला किसके बिहाफ पे रहा है, वो पूरी फर्म के बिहाफ पे चला रहा है, बी और सी के बिहाफ पे भी चला रहा है। इसलिए बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है या उनमें से कुछ एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है सबके बिहाफ पर। नंबर सेवन, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ध्यान रहे पार्टनरशिप और पार्टनर वास्तव में एक ही चीज है, पार्टनरशिप का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। मान लीजिए सारे पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता जिस तरीके का कंपनी का होता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहां हम डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं? नंबर वन, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखिए पार्टनर का जो राइट है वो है प्रॉफिट्स और लॉसेस में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि एक पार्टनर पैसा किस लिए लगाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाता है, तो नेचुरली उसको पूरा राइट है कि वो जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी उसका शेयर है वो उसको प्रॉफिट्स ले सकता है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा केवल प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर मान लीजिए फर्म को लॉस अर्न हुई है तो उसे लॉस में भी अपना शेयर लेना पड़ेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर्स को लॉस में पार्टिसिपेट करना पड़े। हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म कुछ पार्टनर्स को इससे रिलीफ दे दे, एग्जेम्प्ट कर दे कि उन्हें लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करना, वो केवल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशल जस्ट लाइक माइनर पार्टनर में ऐसा होता है, माइनर पार्टनर जो है केवल प्रॉफिट्स में ही पार्टिसिपेट करता है, वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करता। सेकंड, पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो पार्टनर्स हैं वो सभी जो है बिजनेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी पार्टनर को रोका नहीं जा सकता कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से। जस्ट लाइक एबीसी तीनों पार्टनर हैं, जिसमें से ए और बी मान लीजिए शॉप को चला रहे हैं और जो सी जो है वो जॉब कर रहा है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया। अब मान लीजिए सी जो है आगे जाके जॉब छोड़ देता है और वो भी कहता है कि मैं भी शॉप पर बैठूंगा, मैं भी बिजनेस को चलाऊंगा। इसके लिए ए और बी उसे रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई अब तू तो शॉप पर नहीं बैठेगा, क्योंकि हर एक पार्टनर को राइट है बिजनेस को रन करने का, कंडक्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का। थर्ड, टू बी कंसल्टेड। हर एक पार्टनर क्योंकि जिसने पैसा लगाया है उसकी हार्ड एंड मनी लगी हुई है, तो इसलिए बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हो, तो जरूरी हो जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसमें उसकी सलाह ली जाए। तो हर एक पार्टनर को अपनी एडवाइस देने का पूरा राइट है। नंबर फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। हर एक पार्टनर को पूरा राइट है कि वो जब चाहे फर्म के जो अकाउंट्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी तक ले सकता है। अब मान लीजिए जैसे हमारा ऊपर एग्जांपल चल रहा था कि तीन पार्टनर है ए बी सी, इसमें ए और बी तो शॉप को चला रहे हैं लेकिन सी जो है वो जॉब पर जाता है, लेकिन सी को शक है कि ए और बी कहीं उसके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, तो सी जब चाहे वो फर्म के जो अकाउंट्स है उनको देख सकता है और एज वेल एज उनकी डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकता है। नंबर फिफ्थ, दिस अलाउड टू न्यू पार्टनर। देखिए नया पार्टनर तभी एडमिशन हो सकता है फर्म के अंदर जब सभी पार्टनर एग्री हो। तो हर एक पार्टनर के पास राइट है, वो चाहे तो नए पार्टनर को एंट्री करने से डिसअलाउ कर सकता है, वो चाहे तो उसे लगे कि ये जो नया पर्सन है वो बायस्ड है या हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो डिसअलाउ कर सकता है उस नए पार्टनर की एंट्री। नंबर सिक्स, ज्वाइंट ओनर इन द फर्म प्रॉपर्टी। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं सारे ज्वाइंट ओनर होते हैं अपने प्रोपोर्शनेट में, यानी कि जितना उनका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट शेयर है उसी के अकॉर्डिंग वो जो है उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स के नाम पर होती है, ना कि फर्म के नाम पर। नंबर सेवन्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म। मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर उसको इंटरेस्ट पाने का पूरा राइट है। ये इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है उस पर्टिकुलर रेट से दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर एग्रीमेंट में कोई रेट मेंशन नहीं है तो उसको 6% पर एनम दिया जाएगा। नंबर एट, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मान लीजिए जो पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा करके आता है, मान लीजिए फर्म के काम से वो किसी पर्टिकुलर सिटी में जाता है, उसको आने जाने में टैक्सी फेयर बियर करना पड़ता है या वहां पर होटल में रहने का कुछ खर्चा बियर करना पड़ता है, तो ये जो सारे एक्सपेंस उसने करे हैं तो उसको वो जो एक्सपेंस है उसकी भरपाई वो फर्म से ले सकता है, क्योंकि ये खर्चे उसने फर्म के लिए किए हैं, अपने पर्सनल खर्चे नहीं किए, तो इन खर्चों को वो रिम्बर्स करवा सकता है फर्म से। नंबर नाइन, राइट टू रिटायर। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि जब उसे लगे कि अब उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस को रन कर सकता है, वर्क कर सकता है, तो वो एक प्रायर नोटिस देकर कभी भी रिटायर हो सकता है। जिस दिन से वो नोटिस देगा उस दिन से उसके बाद के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस की, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। आई होप आज हमने जो पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स और राइट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस पे। इवन आपकी क्वेरीज जो है वो आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी guliyaniclasses@gmail.com। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट करें। आने वाले टाइम में हम आपको लगातार वीडियोस देते रहेंगे, इसलिए आप जरूर किसी भी वीडियो को, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करें, क्योंकि जो भी जो थ्योरीज होती है वो फाउंडेशन होता है किसी भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है अच्छी तरीके से, तब तक आप अच्छी तरीके से जो भी न्यूमेरिकल है वो समझ नहीं सकते। जहां तक मेरा खुद का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है,
वो यही कहता है कि बहुत से बच्चे जो है अकाउंट्स में वीक रह जाते हैं, उनके वीक रहने का यही रीजन होता है कि वो थ्योरी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्योंकि थ्योरी जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे हम मान लीजिए हम कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें सीमेंट का प्रयोग करते हैं, थ्योरी जो है वो सीमेंट का काम करती है। मान लीजिए अगर हमने किसी ईंटों का स्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उस पर सीमेंटेड नहीं किया, सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं किया, तो स्ट्रक्चर ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएगा। इसलिए थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उसे बेहिचक आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जो जवाब देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।